यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है KWH, KWH इसका मीनिंग होता है किलो वाट आर। ठीक है, ये क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप सबके मन में एक सवाल आएगा, वो ये आएगा कि चाहे कोई भी एनर्जी हो, चाहे कॉमर्शियल एनर्जी हो, चाहे प्रैक्टिकल एनर्जी हो, चाहे कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हमने तो पढ़ा था सारी एनर्जी की यूनिट जूल होती है, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे मैग्नेटिक एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, एनर्जी कोई भी हो उसकी यूनिट क्या होती है, जूल। अब आप नई यूनिट बता रहे हो KWH, हम कैसे मान रहे हैं। तो देखो भाई अभी प्रॉब्लम डिस्कस की थी ना, ठीक है, फिर से एक बार डिस्कस कर ले रहा हूं। देखो हमें पता है कि पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट कैसे हो सकता है, देखो पावर इक्वल टू होता है क्या, वर्क डन अपॉन टाइम, और हम जानते हैं जितना वर्क डन हो उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होती है, तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, कोई दिक्कत, समझा रहा हूं किलोवाट आवर कैसे आ गई, क्यों मान रहे हैं हम, वो रीजन दे रहा हूं ध्यान से समझना। अब एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे करेंगे, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अब आप लोगों को एक बात पता होगी अच्छे से, क्या पता होगी कि अगर फिजिक्स के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो उन सब की यूनिट आपकी SI यूनिट में होनी चाहिए, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है तो अब सुन लो कि कोई भी न्यूमेरिकल करते टाइम पे ध्यान रखना कि जो फिजिकल क्वांटिटी हो आपके पास वो अपनी SI यूनिट में होनी चाहिए, क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। बात करते हैं पावर की, पावर की SI यूनिट होती है वॉट, ठीक है भाई, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। आप बिल्कुल ठीक हो, मैं भी आप ही के साथ हूं मेरे भाई, एनर्जी की मैं जूल ही बोलूंगा, ठीक है भाई, लेकिन प्रॉब्लम कहां है ये वो ध्यान से समझना। अब जो आप अपने घर में बल्ब लेकर आए हो और आपको निकालना उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, सपोज करो आप 40 वाट का बल्ब लाए थे, ठीक है पावर पता है, और आपका बल्ब 7 घंटे चला, आपका बल्ब 7 घंटे चला, तो आप कहोगे अच्छा पावर इतनी है, टाइम पता है, पावर इनटू टाइम एनर्जी निकल आएगी, लेकिन भाई हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि आप टाइम को आवर्स में नहीं लगा सकते, आपको टाइम लगाना पड़ेगा सेकंड में अगर आप एनर्जी को निकालना चाहते हो तो, ठीक है भाई। अब एनर्जी जब निकालोगे तो एनर्जी किस में निकलेगी, जूल में, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, मान लो आपका बल्ब जला 7 घंटे, कितने घंटे चला, 7 जी, एक दिन में जला, अब इसे पहले कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में, 7 × 60 ये हो गया मिनट में कन्वर्ट, × 60 ये हो गया सेकेंड में, इतने टाइम आपका बल्ब जला एक दिन में, पर मान लो अब आपके यानी बिजली का बिल शाम को थोड़ी ना बढ़ते, एक महीने बाद बढ़ते हो, तो आपने कैलकुलेट किया भैया 30 दिन और चलाओ, भी इतने टाइम में आपका बल्ब घर के अंदर जला, जिसकी आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जो कि जूल में ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, 40 अब पावर भी 40 वाट का बल्ब है, अभी रुको लो 40, इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा, एनर्जी इतनी जूल एनर्जी आएगी, और ये तो मेरे भाई अभी सिर्फ एक बल्ब की है जो सिर्फ 40 वाट का है, अभी तो आपको टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सब चीजों की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कहां से करोगे, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, इनकन्वीनियंट हो जाएगा जी कैलकुलेट करना, गवर्नमेंट किस तरीके से आपसे पेमेंट लेगी अपनी एनर्जी का, तो उन्होंने करना भाई ये तरीका तो नहीं चल पाएगा, इसीलिए उन्होंने अपनी एक नई यूनिट बनाई किलोवाट आवर, तो समझ आ गया, और उसने बोल दिया कॉमर्शियल यूनिट, जो आप कॉमर्शियल पर्पज से, जो कि सेल की जा रही है एनर्जी कॉमर्शियल पर्पज के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट बना दी KWH, किलोवाट आवर। तो अभी मेरे भाई आपको जवाब मिल गया कि एनर्जी की यूनिट हमने जूल वाली क्यों नहीं की, क्योंकि जूल वाली हमने अभी भी यूज की 40 वाट के बल्ब के लिए, तो इतनी एनर्जी आई, तो इतनी एनर्जी कैलकुलेशन कहां से करेंगे, बहुत इनकन्वीनियंट हो रहा है, इसीलिए नई यूनिट लाई KWH, क्लियर है मेरे भाई। तो ये तो क्लियर हो गया कि नई यूनिट KWH हमें क्यों चाहिए, और हम KWH को क्यों माने, क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट है और कन्वीनियंट है कैलकुलेट करना। अब सवाल आता है कि सर जूल से KWH में कैसे कन्वर्ट होगी और हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने तो ये बताया कोई भी एनर्जी जो जूल में निकलेगी, अगर हम फॉर्मूला भी लगाएंगे आपके अकॉर्डिंग तो हमारा तो जूल में आएगा। तो उन्होंने कहा देखो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एनर्जी कर्सु क्या है, पावर इनटू टाइम, यही से डालिए उन्होंने एनर्जी कर्सु पावर इनटू टाइम, यहां लिख दिया ध्यान से समझना। उन्होंने कहा एक काम करो, पावर तो आपका वाट में है ही, पावर तो आपका वाट में है, टाइम को ना घंटे में ले लो, आवर्स में ले लो, टाइम को किस में ले लो, आवर्स में ले लो,
कि भैया 7 घंटे बल्ब जला, 8 घंटे बल्ब जला, तो ठीक है। अब जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी आपकी आएगी वॉट आर में, किसमें आएगी? वॉट आर में। अब उन्होंने कहा देखो भाई आपने धज्जियां तोड़ाई थी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग तो ये सब कुछ ऐसा यूनिट होना चाहिए। अब आप जब टाइम की ऐसा यूनिट नहीं यूज कर रहे तो पावर की ही क्यों यूज कर रहे हो? इसकी और बड़ी यूनिट यूज कर लो ताकि और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए, कैलकुलेशन और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए। जब इसकी बदल दी तो इसकी भी बदल दो। तो उन्होंने कहा वाट से बड़ी यूनिट लेकर आओ, तो इन्होंने बोला एक काम करो वाट की यूनिट यूज कर लो किलो वाट। कौन सी यूज कर लो? किलो वाट, और आर तो है ही टाइम की, तो एनर्जी की नई यूनिट आ गई किलो वाट आर। मेरे भाई क्लियर हो गया किलो वाट आर कहां से आ गई? पावर की वॉट को किलो वाट बना दिया, टाइम जो सेकंड में था वो आर में बना दिया, कोई दिक्कत। तो अब अगर एक बात बताओ, पावर अपनी ऐसे यूनिट में नहीं है, टाइम अपनी ऐसे यूनिट में नहीं है, तो एनर्जी अपनी ऐसे यूनिट में कैसे आ जाएगी जूल में? बिल्कुल नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा भाई एनर्जी की यूनिट ये बना दो किलो वाट आर। तो अब से हम जो भी कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो करेंगे किलो वाट आर में, कोई दिक्कत, ठीक है। और इस किलो वाट आर को एक और नाम से जाना जाता है, यूनिट नाम से। किससे जाना जाता है? इसको जाना जाता है मेरे भाई यूनिट नाम से। ये आपने बहुत जल्दी पकड़ लिया होगा, यूनिट अपने घर में भी सुना होगा। इस महीने ना 20 यूनिट बनी है, कहते हैं ना घर वाले 20 यूनिट बनी है, इस महीने ना 200 यूनिट बनी है। या जो केजरीवाल जी का वो चल रहा है मिशन की भाई 200 यूनिट फ्री, तो 200 यूनिट फ्री है ना आपकी, वो किस लिए है? 200 kWh फ्री है, 200 kWh यानी 200 किलोवाट आर की एनर्जी आप जो लोगे अपने घर में वो फ्री है। कितनी? 200 किलोवाट आर की। तो किलोवाट आर नहीं बोलते नॉर्मल पर्सन, वो क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। 2 यूनिट मतलब 2 किलोवाट आर, kWh। मीटर में अपने में जाके देख लेना इस तरीके से लिखा होगा kWh, 2 kWh, 10 kWh, 20 kWh, 50 kWh। क्लियर हुआ मेरे भाई किलोवाट आर? तो ये अपन की थी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहां तक हमने ये क्लियर कर लिया मेरे भाई कि हमें किलोवाट आर की जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरा ये डिस्कस कर लिया कि किलोवाट आर कैसे आया, वो भी क्लियर हो गया। तो अब से याद रखना एनर्जी यूनिट होती है kWh, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक बात और कर लेते हैं कि भाई अमाउंट कैसे पे करते हैं। अब देखो गवर्नमेंट ने ना चाहे कह लो यूनिट चाहे कह लो किलोवाट आर, इसके अकॉर्डिंग फिक्स कर रखा है। मान लो उसने कहा हम ना 1 यूनिट का 10 रुपए लेंगे, हम 1 यूनिट के 10 रुपए लेंगे, यानी 10 रुपए लेंगे 1 किलोवाट आर एनर्जी यूज करने के, 1 किलोवाट आर एनर्जी यूज करने हम 10 रुपए लेंगे। तो देख लो अगर आप कह रहे हो सर हमारे घर में ना 20 यूनिट बनी, कितनी बनी? 20 यूनिट, इसका मतलब क्या है? 20 kWh, इसका मतलब क्या है? आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 20 into, उन्होंने कहा हर kWh या हर यूनिट के 10 रुपए लगते हैं, तो 20 into 10 आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर हुई मेरे बात? इस तरीके से गवर्नमेंट अपना अमाउंट ले लेती है जो कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ, किसी तरह कोई डाउट हो ना भाई कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। आर का मीनिंग क्या है? 20 kWh का मीनिंग क्या है, या कह लो 1 kWh का मीनिंग क्या है? तो ध्यान से समझना 20 kWh का मीनिंग क्या है। 20 kWh का मीनिंग ये है कि अगर देखो ध्यान से समझना, चलो लिख दे रहा हूं। किसी ने बोला 20 kWh, इस बात का मीनिंग क्या है? बहुत अच्छे से समझना। इस बात का मीनिंग है कि अगर आपकी डिवाइस या आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर 20 kW है और वो 1 घंटे के लिए चलती है, अगर आपकी डिवाइस या अप्लायंस की पावर 20 kW है और वो 1 घंटे के लिए ऑपरेट होती है, तो जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगी वो 20 kWh कंज्यूम करेगी, यानी 20 यूनिट बना देगी। कितने यूनिट बना देगी? 20 यूनिट, अगर वो 1 घंटे चल गई 20 kWh की, 20 kW की। क्लियर हुआ मेरे भाई बहुत अच्छे से? ये आप कहोगे ये कैसे पता? अरे भाई वही फॉर्मूला ना, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, आपने बोला भाई हमारे डिवाइस की जो पावर है वो 20 kW है, लो 1 घंटे चली गई लो, तो एनर्जी कितनी आएगी? एनर्जी जो आएगी आपकी 20 kWh। जब 20 kW की डिवाइस 1 घंटे के लिए चली तो कितना आया? 20 kWh। तो 20 kWh का मतलब क्या है? 20 kWh का मतलब है
कि आपकी डिवाइस जिसकी पावर 20 किलोवाट है वो अगर एक घंटे जलेगी तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 20 किलोवाट आर होगी, या इसी को बोलते हैं 20 यूनिट बनेगी। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला कंसेप्ट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है मेरे भाई।